तो भाई लोग, पिछले कुछ समय से मैं एमसीयू से बहुत ही ज्यादा नाराज था, क्योंकि इटर्नल्स हो, हॉकाई हो, डॉक्टर स्ट्रेंज हो या मिस मार्वल हो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्वल अपने ही बनाए हुए किले को तोड़ रहा है खुद ही। लेकिन फाइनली शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शी हल्क को तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे, लेकिन साथ साथ वो हल्क को, यानी कि हमारे हल्क को, अपनी इज्जत वापस लौटा रहे। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में दो ऐसी जगह थी जहां पर ऐसा लगता है कि यार हल्क को लेकर बहुत कुछ ऐसा सोचा जो फैंस के दिल की बात है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शी हल्क एपिसोड 1 की। शो की कहानी फोकस करती है जेनिफर वॉल्टर, जो की कजन है ब्रूस बैनर एके हल्क की। लेकिन जेनिफर शी हल्क कैसे बनी एक लॉयर से, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। एक चीज मुझे मार्वल की बहुत अच्छी लगती है कि उनके हर शो, उनकी हर मूवीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होती है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे कनेक्टेड होती है। इस बार अगर आप लोग इस शो को गौर करोगे तो ये मिस मार्वल से बिल्कुल भी ज्यादा अलग है। जहां पर मिस मार्वल एक लड़की थी जिसको सुपर हीरो बनना था, और उसके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी हमें साफ नजर आती थी कि सुपर हीरो बनके वो ये करेगी वो करेगी, लेकिन अगर आप लोग शी हल्क देखोगे तो यहां पर साफ ये बताने की कोशिश की है जेनिफर के पास एक सुपर पावर आने के बावजूद भी उसको आज भी ह्यूमन लाइफ जीना, आज भी उसको कोर्ट में जाके केसेस ही लड़ना है। वो ये बताने की कोशिश करते कि एक बच्चे के पास अगर सुपर पावर्स हो तो वो क्या सोचता है, और अगर एक मैच्योर लड़की के पास कुछ सुपर पावर्स आ तो वो क्या सोचती है। ये बात मुझे एमसीयू की बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा शो में अगर सीजीआई की बात करें तो यस, कुछ लोगों को इसके सीधे अच्छे नहीं लगेंगे, उतने अप टू डी मार्क नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इसके अलावा मार्वल वालों की तारीफ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये लोगों ने एक तीर से दो निशाने किए। पहले तो भाई जेनिफर एज अ शी हल्क को सेट कर दिया, यहाँ पर हल्क को लेकर कुछ हिंट्स दे दिए, जैसे कि कार प्लैनेट से वो शिप यहाँ पर क्या करने आई थी। ऑब्वियसली उस शिप में कोई तो होगा, हो सकता है हल्क का बेटा हो, क्योंकि ब्रूस बैनर ने खुद बताया कि सकार प्लैनेट में वो कंटिन्यूस 2 साल तक हल्क के फॉर्म में था। हल्क होने के बहुत ज्यादा अगर नुकसान है तो बहुत ज्यादा फायदे भी है, और वो 2 साल में कितने ज्यादा मजा मारा होगा उसने सकार प्लैनेट में, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और पॉसिबल ये है कि वो जो स्पेसशिप आया था उसमें हल्क का बेटा भी हो सकता है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि 10th एपिसोड के एंड में ही रिवील होगा। फिलहाल तो मैं इतना कह सकता हूं कि भाई एमसीयू वाले इज बैक बेबी, मतलब वो लोग जितनी भी गलती की थी वो सारी गलती को साइड में करो, और शी हल्क वाकई में एक वॉचेबल शो है, और आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ ऐसी चीजें होगी जो एज अ फैन वी आर एक्सपेक्टिंग। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल तो फर्स्ट एपिसोड को क्या रेटिंग दे और पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, अभी अश्लील तो कुछ नहीं बताया, लेकिन यू हैव टू एक्सपेक्ट सम अश्लील मैन शी हल्क है यहाँ पर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।